कि हम लोग दूसरों की सीवीज देखना प्रेफर करते हैं। किसी एचआर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी दो दो चार चार सफों की सीवी पढ़े। आपकी जो बॉडी और आपकी जो हेडिंग है वो सेम फॉर्मेट का होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट मीन्स सेम फॉन्ट होना चाहिए। साइज आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स जो हेडिंग का साइज है वो डिफरेंट होता है और बॉडी का साइज डिफरेंट होता है। आप ऐसे साइड करके तस्वीर बना लेते हैं, आप अपनी शादी ब्याहों की तस्वीरें लगा देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू डे, वेलकम टू अ न्यू इन्फॉर्मेशनल वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैंने जैसे कि पहले भी कई दफ़ा ये बताया है, एक्सप्लेन किया है कि आपने सीवी कैसे बनानी है, क्या क्या चीज़ों से अवॉइड करना है। और एक वीडियो में तो मैंने आपको मुकम्मल सीवी का फॉर्मेट भी बनाकर दिखा दिया था कि इट इज़ फ्रेंडली रिज्यूमे आपने बनानी कैसे है। लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे हैं। वो लोग सर्च करते हैं, जैसे गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि हाउ टू मेक अ बेस्ट सीवी, हाउ टू मेक अ बेस्ट रिज्यूमे, कवर लेटर कैसे बनाना है, तो देखी दिखाई सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर लेते हैं, दूसरों की सीवीज लेके उस जैसी सीवी बनाने की कोशिश करते हैं। तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जो कि मैं आपको सिंपली इस वीडियो में कवर करके बता दूंगी कि आपने किन चीज़ों से अवॉइड करना है, कौन सी चीज़ें मेंशन करनी है और कौन सी चीज़ें आपने स्किप करनी है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, आई होप आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होगी वीडियो। तो पहले आप मेरा जाके चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो लाजमी एंड तक देखिएगा। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ताकि आप वो मिस्टेक्स दोबारा रिपीट मत करें जो आप कर चुके हैं। तो चलें जी आगाज़ करते हैं, लेट्स गो। वीडियो का आगाज़ करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो बेसिकली हम बहुत कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पे ये आ जाता है कि हम लोग दूसरों की सीवीज देखना प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी ही फील्ड से कोई रिलेटेड है और उससे हम कह देते हैं कि यार अपनी सीवी तो फॉरवर्ड करना, तो उसकी सीवी आती है, हम वैसे ही छापा मार लेते हैं, सब कुछ वही लिख देते हैं। तो सबसे बड़ी मिस्टेक हम करते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए, वो इस तरह, क्योंकि हर बंदे ने अपने लिहाज से अपनी सीवी बनाई होती है, तो देखी दिखाई और सुनी सुनाई बातों पे आपको यकीन नहीं करना चाहिए। जैसे आप गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर रहे होते हैं कि जी ऐसी सीवी कैसे बनती है, वैसी सीवी कैसे बनती है। जो कुछ टिप्स हैं जो कि आपको चाहिए कि अपनी सीवी में आप देखें वो आपने काम किया हुआ है या नहीं किया हुआ, आपने उस तरीके की सीवी बनाई है या नहीं बनाई। सबसे पहले नंबर पे जो पॉइंट आ जाता है वो ये आ जाता है कि आपने लॉन्ग सीवी नहीं बनानी। हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, हम लोग कहते हैं कि जी जितनी लंबी सीवी होगी, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डाली होगी उतना ज़्यादा अच्छा। यार इतना टाइम किसी के पास नहीं है, किसी एचआर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी दो दो चार चार सफ़ों की सीवी पढ़े और उसके अंदर से वो पॉइंट की बात निकाले। आपने क्या करना है, आपने तो दो चार सफ़ों की जो सीवी है उसको आपने समराइज करना है एक से दो पेजेस में। मैक्सिमम आप कोशिश करें कि वो टू पेजेस की सीवी हो, टू भी ना हो तो वन पेज की हो। वन पेज के अंदर आपने अपना एक्सपीरियंस टू दी पॉइंट मेंशन करना है और आपने सब कुछ आपने उस एक पेज में आपने टू दी पॉइंट मेंशन करना है। क्योंकि आजकल के ज़माने में जैसे ही आपको पता है एआई का दौर आ गया, आजकल के ज़माने में किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि आपकी दो चार सफ़ों की सीवी बैठ के पढ़े और उसके अंदर से आपका एक्सपीरियंस देखे, आपके स्किल सेट देखे। तो ये चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। आपने ये नहीं देखना कि अगले बंदे की चार पेजेस की सीवी है तो जी मैं छः पेजेस की सीवी बना लूँ। क्यों ऐसा हम क्यों करते हैं, हम इसलिए करते हैं कि हम अपने से चाहते हैं कि हम बेहतर जगह पे जाएं, अपने से बेहतर हमें तरीके से सेलेक्ट किया जाए और हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। तो इस अपॉर्चुनिटी मिलने के चक्रों में हम लोग ये चीज़ भूल जाते हैं कि कोई भी बैठ के, किसी के पास भी इतना फालतू टाइम नहीं है कि आपकी सीवीज़ के अंदर एक एक चीज़ पढ़े। सेकेंड नंबर पे जो हम मिस्टेक कर देते हैं वो कर देते हैं फॉन्ट स्टाइल की मिस्टेक, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल की जो मिस्टेक हम करते हैं, जैसे कि हमने बॉडी का टेक्स्ट और लिखा हुआ है, हेडिंग का टेक्स्ट और है, फॉन्ट स्टाइल और है, ठीक है, कलर स्कीम हम डिफरेंट यूज़ करने लग जाते हैं। कलर से आपने इज्तनाब करना है। आप कोशिश करें कि आपने सिर्फ ब्लैक कलर यूज़ करना है अपनी सीवी के अंदर। उसके बाद जो फॉन्ट, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि आपने जो फॉन्ट यूज़ करना है उसमें एरियल आ जाता है या टाइम्स न्यू रोमन आ जाता है। आपकी जो बॉडी और आपकी जो हेडिंग है वो सेम फॉर्मेट का होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट मीन्स सेम फॉन्ट होना चाहिए। साइज़ आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स जो हेडिंग का साइज़ है वो डिफरेंट होता है और बॉडी का साइज़ डिफरेंट होता है।
तो आपने कोशिश करनी है फॉन्ट स्टाइल आप एक ही यूज़ करें, कलर स्कीम आप एक ही यूज़ करें, अलाइनमेंट उसकी देखें, आपने अपनी अलाइनमेंट्स जो है वो ठीक रखनी है सीवी के अंदर। अब डिस्कस करते हैं एक कॉमन मिस्टेक जो हम में से कई लोग करते हैं, वो ये कि प्रोफेशनल समरी, ऑब्जेक्टिव्स और एक्सपीरियंस में लंबे चौड़े पैराग्राफ लिखने लग जाते हैं। भाई लंबे चौड़े पैराग्राफ में आपने कौन सी कहानियाँ ऐसी लिख देनी है? प्रोफेशनल समरी जो आप लिखते हैं, जिसको आप अपनी जुबान में ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव ना लिखा करें उसको एज अ प्रोफेशनल समरी कंसिडर किया करें। प्रोफेशनल समरी आपको चाहिए आप 3 से 4 लाइनों से ज़्यादा एक्सीड ना करें। उसके बाद आप जो एक्सपीरियंस अपना लिखते हैं, कोशिश करें एक्सपीरियंस पैराग्राफ में लिखने की बजाय आप उसको बुलेट पॉइंट्स में मेंशन करें। आप जो एक्सपीरियंस अपना 2-2 पेजेस तक ले जाते हैं कि हमने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। आपने सिर्फ ये लिखना होता है कि आपने उस कंपनी में रहते हुए क्या काम किया, उस कंपनी के लिए आपने क्या अचीव किया। तो उसको कोशिश करें कि आप बुलेट पॉइंट्स में ही मेंशन करें तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पैराग्राफ मुझे नहीं लगता कि कोई इतना टाइम लगा के पैराग्राफ पढ़ता है। जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं ना, उसी को वो पढ़ते हैं, उसी को वो पढ़ के आपको उसके अंदर से क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। जो एचआर्स होते हैं वो बहुत ही स्मार्ट होते हैं, उनको पता होता है कि उन्होंने कहाँ से सवाल निकालना है और क्या चीज़ उन्होंने अगले बंदे की पिक करनी है। तो ऐसा पॉइंट मेंशन करें अपने एक्सपीरियंस में जिसका आपको पता भी हो और आप एक्सप्लेन भी कर सकें। तो बजाय इसके कि लंबे चौड़े पैराग्राफ लिखें, आप उसके अंदर सिर्फ बुलेट पॉइंट्स मेंशन करें। आप ये मेंशन करें कि आपने उस कंपनी में रहते हुए क्या क्या अचीव किया और आपकी क्या एक्सपर्टीज़ रही है वहाँ पर। अपनी सीवी बनाते हुए आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स का बहुत ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने कई लोगों की सीवीज़ पढ़ी हैं, ठीक है, उनके अंदर उन्होंने लिखा होता है मैट्रिक के, खासकर आप देखें अगर आप पाकिस्तानी हैं, आपने मैट्रिक के जो स्पेलिंग है ना वो आप देखा करें वो आपने ठीक लिखे हैं कि नहीं, क्योंकि ये एक वाहिद कॉमन मिस्टेक है जो मैंने अक्सर लोगों की पकड़ी है। ठीक है, मैट्रिक की स्पेलिंग वो गलत लिख देते हैं, उसके बाद कोई ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं जिसमें वो स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देते हैं, पंक्चुएशन मिस्टेक्स कर देते हैं और फॉर्मेट की मिस्टेक कर देते हैं, फॉन्ट स्टाइल की मिस्टेक कर देते हैं। तो आपने काइंडली अवॉइड करने स्पेलिंग मिस्टेक्स है और इस तरह की मिस्टेक्स है। ये चीज़ जो है आपकी जो सीवी है उसको ये ख़राब कर देती है, तो काइंडली आपने इन मिस्टेक से अवॉइड करना। स्पेलिंग मिस्टेक आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं तो कोई भी कंपनी आपको हायर करने से पहले ये देखती है कि यार इसकी तो अपनी सीवी के अंदर इतनी मिस्टेक्स है, तो आप ये सोचे कि इस कंपनी में आगे कितनी गलतियां करेगा। तो काइंडली आप इन चीज़ों को ध्यान रखा करें। आप छोटी से छोटी चीज़ को भी पॉइंट आउट किया करें, जैसे पंक्चुएशन हो जाता है, ग्रामर हो जाती है, इन चीज़ों का भी अपने माइंड में रखा करें कि ऐसी कोई भी मिस्टेक आपकी सीवी में ना हो। इसके बाद आ जाता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में हम लोग जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि जी हम पूरे अपने घर का पता लिख देते हैं, हम अपनी वेबसाइट्स, ईमेल एड्रेसेस, फ़ोन नंबर, ये नहीं तो वो फ़ोन नंबर, जेंडर लिख दिया और मैरिटल स्टेटस वगैरह लिख दिया। ये लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। टू दी पॉइंट आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दें, जिसमें आ जाता है आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस या आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल का लिंक। कोशिश करें कि आप अपनी सीवी के अंदर लिंक्डइन की प्रोफाइल का लिंक मेंशन करें। अगर वो नहीं है तो आपका पोर्टफोलियो वेबसाइट है तो आप वो मेंशन करें। फजूल की इन्फॉर्मेशन मेंशन करने से इज्तनाब करें, क्योंकि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपका जितना ही छोटा होगा उतना ही बेहतर होगा। सिर्फ नंबर, ईमेल एड्रेस या लिंक्डइन की प्रोफाइल का लिंक या पोर्टफोलियो का लिंक। सेकेंड लास्ट नंबर पर आ जाते हैं स्किल्स। स्किल्स आप वो मेंशन करें जो आपको आते हैं। ऐसा स्किल कोई भी मेंशन ना करें जो आपको नहीं आता। अगर वहाँ पे आपके इंटरव्यू में आपसे ये सवाल हो जाता है कि आप इस स्किल के बारे में बताएं आप क्या जानते हैं, तो बजाय इसके कि आप गलत बताएं या आप शर्मिंदा हों, तो बेहतर ये है कि आप वो स्किल्स मेंशन करें जिन पे आपको नो हाउ है, जिनका आपको एक्सपीरियंस है या जो आपने टूल्स वगैरह यूज़ किए हुए हैं। तो काइंडली आप उन्हीं स्किल्स को मेंशन करें, बिला वजह फजूल स्किल्स को मेंशन ना करें। अपनी सीवी को ज़्यादा मत बढ़ाएं, ये मत सोचें कि हम ये भी स्किल मेंशन कर देंगे, ये भी चीज़ मेंशन कर देंगे जी अगला बंदा सोचेगा अच्छा हमें इतना कुछ आता है। वो ऐसी चीज़, ऐसी पॉइंट निकाल के आपसे पूछता है कि आप वहीं पर चुप के चुप रह जाते हैं, आपके पास जवाब नहीं होता या आप गलत जवाब दे देते हैं। अब लास्ट नंबर पे आ जाता है जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक हम लोग करते हैं, वो सबसे ज़्यादा मिस्टेक ये होती है कि जो प्रोफेशनल पिक्चर है
उसकी बजाय हम साइड पोजेस, कुछ शादी ब्याह की तस्वीरें लगा देते हैं। आपने कोशिश करनी है कि जो आप रिज्यूमे अपनी बनाते हैं उसके ऊपर आप अपनी प्रोफेशनल तस्वीर लगाएं। प्रोफेशनल तस्वीर मतलब आपका इंटरेक्शन बिल्कुल कैमरे के साथ हो। आप ऐसे साइड करके तस्वीर बना लेते हैं, आप अपनी शादी ब्याहों की तस्वीरें लगा देते हैं, तो ऐसी तस्वीर आप लगाने से इज्तनाब करें। कोशिश करें कि आप या तो तस्वीर लगाएं ही ना, या लगाएं तो वो प्रोफेशनल फ़ोटो लगाएं। अब मेरे से किसी ने पूछा था कि हमने कवर लेटर बनाना है, सीवी के साथ साथ हमने कवर लेटर भी देना है, तो वो कैसे बनाना है? जहाँ पे हमने सीवी दे दी वहाँ पे आपको कवर लेटर देने की क्या ज़रूरत है? कवर लेटर बेसिकली आजकल कवर लेटर का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। कवर लेटर सिर्फ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स तक रह गया। जैसे फाइवर या अपवर्क पे हो आप कवर लेटर प्रोवाइड करते हैं, वो इसलिए क्योंकि आपने एक ही पैराग्राफ के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि आप क्या कर सकते हैं, आपके पास किस चीज़ का एक्सपीरियंस है। तो कवर लेटर का जो आजकल जो ट्रेंड है ना वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। तो कवर लेटर कोशिश करें कि या तो आप ना बनाएं, या बनाते हैं तो आप एक पैराग्राफ के अंदर ही सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दें। जो आपने अपनी रिज्यूमे में के अंदर इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी आप कवर लेटर के अंदर समराइज करें एज अ पैराग्राफ फॉर्म। ये थी मेरी वो वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आपने एक प्रोफेशनल सीवी कैसे बनानी है, कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप कर रहे हैं, जिस सी मिस्टेक से आपको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि लोग कहते हैं कि हम जॉब करने आए थे, हमारे साथ वाले की जॉब हो गई, हमारी जॉब नहीं हुई, तो क्या मिस्टेक्स हैं? तो जी ये वो मिस्टेक्स हैं जो आप लोग कर रहे हैं। इसके बाद आपने सबसे ज़्यादा अपने माइंड में ये रखना है कि आप जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं आपने उस कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी कंपनी से आपको इंटरव्यू की कॉल आई है, आपने गूगल पे जाके उस कंपनी से रिलेटेड सर्च करना है कि उस कंपनी में आपको क्यों हायर किया जा रहा है, ठीक है, क्या कौन कौन सी नेशनलिटीज़ वहाँ पे काम कर रही हैं, सब इन्फॉर्मेशन आपने उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में लेनी है। तो ये मिस्टेक्स हैं जिनको आपको अवॉइड भी करना है, ठीक है, और ये मिस्टेक्स हैं जिनको आपको ठीक भी करना है अपने सीवी में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो काइंडली कमेंट करके बता दीजिएगा। चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करते हैं। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।